हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश, और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गति के समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। जी हाँ दोस्तों, आप सबों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है कि सर न्यूमेरिकल सेशन को शुरुआत करा जाए, तो आज से हम लोग अपने नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जो पूरी तरह से न्यूमेरिकल के लिए होगा। और इस सेशन में हम लोग टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, और जिस टॉपिक के भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उस टॉपिक के पहले फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की, और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग गति के समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे वो ये कहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि गति का समीकरण क्या होता है। नो डाउट आप सबों को मालूम है ये चीज़, लेकिन याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। सर, आप लोग जो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी रटते रहते हैं, आप लोग जो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी रटते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, ये क्या है सर? गति का समीकरण ही तो है। आप जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते रहते हैं सर, ये क्या है सर? ये तो गति के समीकरण है सर। आप जो सर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस रटते रहते हैं सर, ये क्या है? ये सभी सर क्या हैं? गति के समीकरण हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके पास टोटल गति के कितने समीकरण हैं सर? तीन समीकरण हैं, जिसमें आपका पहला समीकरण क्या कहता है? तो सर पहला समीकरण कहता है कि v इक्वल्स टू क्या होगा? u प्लस ए टी होगा। गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है सर? तो दूसरा समीकरण कहता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। और तीसरा समीकरण क्या कहता है सर? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। और आपके एग्जाम में इसी फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र फिर से उंगली उठाएंगे कि सर क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ये हम मान रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो v है वो वस्तु का क्या है सर? अंतिम वेग है। वस्तु का क्या है? अंतिम वेग है। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और जो यू देख रहे हैं सर वो क्या है सर? तो सर ये प्रारंभिक वेग है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। यू क्या है सर? प्रारंभिक वेग है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। और टी क्या है सर? तो सर टी समय है। ए क्या है सर? तो सर ए वस्तु का त्वरण है। और एस क्या है सर? तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि सर S को हम लोग स्थिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्थिति भी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में सेट करके रखेंगे कि तय की गई दूरी या स्थिति क्या होती है? सेम ही होता है। तो आप क्या कहेंगे सर कि गति के तीन समीकरण हैं, कौन कौन सा? तो सर पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जहाँ v क्या होगा? अंतिम वेग। किसका? वस्तु का। u क्या होगा? प्रारंभिक वेग। किसका? वस्तु का। t समय। a क्या होगा सर? वस्तु का त्वरण होगा। और s स्थिति या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होगा। मेरे मित्र एक छोटा सा बात और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि गति के समीकरण को किसने दिया या किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप सभी कहेंगे कि सर गति का जो ये तीन समीकरण है ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया। गति का समीकरण किसके द्वारा दिया गया सर? गैलीलियो के द्वारा दिया गया। हाँ, ध्यान में आप ये भी रखिएगा, अगर आपसे गति का नियम पूछे, गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप क्या कहेंगे? न्यूटन ने दिया। और जो हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ते हैं सर, उसी को गति का नियम बोला जाता है। तो आप इस नियम और समीकरण को ध्यान में रखेंगे। गति का समीकरण पूछे तो गैलीलियो कहना है, गति का नियम पूछे तो न्यूटन कहना है। आप कहेंगे सर हमारे एग्जाम में जब फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम तो बना लेंगे, लेकिन हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गति का पहला समीकरण निम्नलिखित में से किस दो भौतिक राशि के बीच संबंध बताता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है सर, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए कि आप कह रहे हैं गति का पहला समीकरण v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a त्वरण है। और t क्या है सर? समय है। अगर हम इस पहला समीकरण को ऐसे लिख दें, अंतिम वेग इक्वल्स टू क्या सर? प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुना समय, तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा?
आप कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। यही चीज यहाँ पे छोटा रूप में लिखा हुआ है, सिंबल के सहारे लिखा हुआ है, और यही चीज यहाँ पे बृहत रूप में लिखा हुआ है। बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आप क्या कह रहे हैं कि अंतिम वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुना समय होता है। तो ये जो आपका गति का पहला समीकरण है, ये वस्तु के वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण वस्तु के वेग और समय के बीच संबंध बताता है। आप इस चीज को नोट डाउन करके रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। जब भी ये पूछा जाएगा कि गति का पहला समीकरण निम्नलिखित में से किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है, तो वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। आप कहेंगे एगो बता दिए तो हम याद रख लेंगे, अब बाकी दो गो कैसे? तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। ध्यान दीजिए हमने क्या किया है कि अंतिम वेग यानी कि इधर बराबर से पहले वाले का मैंने वेग लिया और बराबर के बाद वाले का हमने समय लिया। ध्यान देना है, यही चीज दूसरे और तीसरे में भी करना है। बराबर से पहले एस है सर, तो एस को मैंने आपको क्या बताया सर कि या तो आप दूरी लिखेंगे या स्थिति लिखेंगे। चलिए शुद्ध रूप में आप क्या लिखेंगे सर? स्थिति। तो गति का जो दूसरा समीकरण होगा वो स्थिति और किसके बीच में संबंध बताएगा? तो सर यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर है, लास्ट में क्या है सर? टी स्क्वायर, मतलब यहाँ भी समय है। तो गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। इस चीज को आप नोट डाउन कीजिएगा कि गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है। और आप कहेंगे गति का तीसरा समीकरण, तो भाई मेरे आप देख रहे हो फिर से वेग है और यहाँ पे क्या है सर? एस है, मतलब स्थिति है। तो गति का जो तीसरा समीकरण होगा वो वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है। गति का तीसरा समीकरण वस्तु के वेग और पोजीशन स्थिति के बीच में क्या करता है? संबंध बताता है। तो ये तीन पॉइंट भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे ये चीज़ याद ना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई बाब, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ई याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। v क्या है? अंतिम वेग है। t क्या है सर? समय है। तो ध्यान में रखेंगे गति के समीकरण का जो पहला है समीकरण वो वस्तु के वेग और समय के बीच में संबंध बताएगा। दूसरा समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो s क्या है सर? तो सर s स्थिति है और यहाँ पे टी स्क्वायर है, लास्ट में देख लेंगे। तो स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है। और तीसरा तो यहाँ पे देखिए बराबर से पहले वेग है, वी स्क्वायर अंतिम वेग का स्क्वायर है और यहाँ पे s है सर, तो वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब आसानी से दे लेंगे। मेरे मित्र जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे तो इस चीज़ को आप एक और रूप में देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में अगर प्रारंभिक वेग वस्तु का नहीं कहा जाएगा, जब आप गति के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन बना रहे हैं और आपके क्वेश्चन में वस्तु का प्रारंभिक वेग ना दिया रहे, तो आप क्या मानेंगे सर? तो आप मानेंगे वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना? जीरो। अगर दिया रहेगा तो क्वेश्चन में वो मेंशन कर देगा, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप सीधे समझ जाएंगे कि प्रारंभिक वेग क्या होगा सर? जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर अगर प्रारंभिक वेग जीरो हो जाए तो गति के समीकरण पे कोई प्रभाव पड़ सकता है? ऑब्वियसली प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप सभी समीकरण में क्या देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग है। यहां भी आपका प्रारंभिक वेग, यहां भी प्रारंभिक वेग, यहां भी प्रारंभिक वेग है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रारंभिक वेग जीरो हो जाए तो गति के समीकरण पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चला ध्यान में रखना कि v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। आप कह रहे हैं क्या प्रारंभिक वेग जीरो है, तो यहां पे आप जीरो रख ही लीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा? क्या है इसी को आप v इक्वल्स टू ए टी ना कह सकते हैं? तो चला ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग जीरो हो, वस्तु का प्रारंभिक वेग जीरो हो तो वस्तु का वेग क्या होगा? तो आप कहेंगे v इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे s इक्वल टू क्या कह रहे हो सर? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप कह रहे हो। अरे गुरुजी यहाँ पे u का वैल्यू जीरो रख देंगे तो जीरो अगुना t, कोई भी चीज़ जीरो से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। तब भाई बाब प्रारंभिक वेग अगर जीरो हो तो तय की गई दूरी हाफ ए टी स्क्वायर होगा। ऐसा मैं इसीलिए आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे जो डाटा मिलेगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे प्रारंभिक वेग जीरो होगा, तो हमको क्या जरूरी है इतना लिखने का? सीधे एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, सवाल बन जाएगा मेरा। नेक्स्ट ध्यान देना कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। भाई बाब जीरो को किसी से गुना कर दो या जीरो का स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर हर केस में लड्डू मिलेगा। तो भाई मेरे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है, तो आप इसको v स्क्वायर इक्वल टू 2as ना लिख सकते हैं? काहे? जब प्रारंभिक वेग क्या हो जाए? जीरो हो जाए।
तो बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाने के लिए, गति के समीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए इतना सा कंसेप्ट आपको होना चाहिए। बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन आसानी से आप तभी कर पाएंगे जब आप उस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो अब आइए, अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके चाहें तो इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक, क्या पूछा जा रहा है आपसे, बड़ा ही आसानी से आप बनाएंगे अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए, इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, जो आपका कोई नाव है, ये स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक सीधी रेखा में चल रहा है, और इस नाव का त्वरण कितना है। तो सर, त्वरण आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या कहा जा रहा है कि 8 सेकेंड तक गति करता है। अब ये नाव स्थिर अवस्था से चला है और 8 सेकेंड तक ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नाव द्वारा तय की गई दूरी यानी कि s क्या होगा, ये चीज़ बताना है। आप कहेंगे सर s पूछा जा रहा है, फॉर्मूला s = ut + ½at² होता है। आप कहेंगे सर सारा चीज़ तो है, प्रारंभिक वेग ना है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग का जिक्र ना किया हुआ रहे, स्थिर अवस्था का जिक्र किया हुआ रहे, या विरामा अवस्था से वस्तु चलना प्रारंभ करती है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, सर प्रारंभिक वेग u = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है, यानी कि कोई वस्तु 0 वेग से चलना स्टार्ट करती है और 8 सेकेंड तक वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है तय की गई दूरी s = what। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, 0, तो सीधे s = ½at² पे बना देंगे। इतना बड़ा लिखने का कोई जरूरत ना है सर। तो क्या हो जाएगा, s = ½, त्वरण कितना है, 3 मीटर सर, और यहां पे t का स्क्वायर है, मतलब 8 × 8 कितना हो जाएगा सर। तो आप सभी कहेंगे सर 2 × 8 हो जाएगा, 4 × 12 = 96 मीटर हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इन सब टाइप के प्रश्न को आप अगर पहले से प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं तो एग्जाम में आप मुंह जवानी भी बना सकते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो मैंने इतना करा है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप चुटकी में निकाल देते कि सर 96 मीटर आंसर हो जाता। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते, स्थिर अवस्था से चलना शुरू कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड का त्वरण है, अच्छा 8 सेकेंड तक चल रहा है, तो आप सीधे कहते सर 1/2 × 3 × 8 × 8 हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में 3 बार पूछा गया, यानी कि 3 शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है, कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है, ये चीज़ बताना है। बनेगा या नहीं बनेगा, आराम से बनाएंगे आप सभी। आप कहेंगे सर हमारे पहले ऑप्शन में s = ut + ½at² दिया हुआ है, तो चला ये किस चीज़ का संबंध बताएगा। तो आप कहेंगे सर स्थिति और समय के बीच में संबंध बताएगा। हमसे पूछा जा रहा है वेग और समय के बीच में कौन संबंध बताएगा, तो आप कहिएगा v = u + at। सर अभी ये तो बताएं, ये वेग हो गया, ये समय हो गया, तो वेग और समय के बीच में कौन संबंध बताता है, गति का पहला समीकरण। तो देखिए तो गति का पहला समीकरण कहाँ है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो हो गया सर, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये भी सर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई ट्रॉली है विरामावस्था से चलना शुरू करती है, तो भैया प्रारंभिक वेग यू कितना हो गया, सर 0 हो गया। क्या कह रहा है कि जब प्रारंभिक विरामावस्था से चलना वो शुरू करती है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है।
त्वरण कितना है सर? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कहा जा रहा है कि 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा, यानी कि टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड बाद आपसे वेग पूछा जा रहा है, भी पूछा जा रहा है, जबकि यू कितना है सर? 0। आप कहेंगे सर जब प्रारंभिक वेग 0 है तो भी इक्वल्स टू ए टी लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे भाई वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर त्वरण कितना है? 2, और टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड, यानी कि अंतिम वेग जो होगा या उसका जो वेग होगा वो कितना का होगा सर? 8 मीटर पर सेकेंड का होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है सर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे में दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कहिएगा उतना काहे लगे जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, आप सभी कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन को तो हम लोग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से भी तो बना सकते हैं। भाई भाई यही से बनाएं, खाली हम आपको क्या बताए थे अभी जस्ट कि अगर प्रारंभिक वेग 0 हो तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे v इक्वल्स टू ए टी लिख देना है, आपका सवाल बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी कितनी होगी, ये चीज़ आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, अगर आप एक बार और पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आसानी से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई रेलगाड़ी विश्रामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड प्राप्त कर लेती है, तो इसी स्पीड के द्वारा और उसी समय में इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी विश्रामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, दैट मीन्स यू कितना है सर? तो सर यू 0 है, यू कितना है? 0 है। और कितना टाइम लग रहा है सर इसको? तो सर इसको टाइम लग रहा है 5 मिनट। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मिनट को क्या करना होगा, सेकेंड में चेंज करना होगा, और जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो क्वेश्चन का जो डेरिवेशन होगा वो सेम यूनिट में होगा, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो 5 मिनट है, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 300 सेकेंड हो जाएगा। फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी 5 मिनट में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू कर देती है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो रेलगाड़ी आपका 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, ये आपके रेलगाड़ी का क्या है सर? अंतिम वेग है। क्या है सर? अंतिम वेग है, यानी कि भी है, लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि किलोमीटर पर आवर में है, जबकि आपको निकालना किस में है सर? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? तो आप कहते हैं सर 5/18 से गुना कर देते हैं, तो लीजिए सर इसको गुना कर दीजिए, 90 × 5/18, 18 × 5 कितना हो जाएगा? 90, 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है रेलगाड़ी। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इतने ही समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अब भाई मेरे आपसे s निकालने के लिए कहा जा रहा है, और s आपका तभी निकलेगा जब आपको त्वरण मालूम होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी कहते हैं सर s इक्वल टू फॉर्मूला होता है ut + ½ at² ut + ½ at² तो हमारे क्वेश्चन में u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, लेकिन a तो दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, पहले इस डाटा से क्वेश्चन के लिए यानी कि रेलगाड़ी का एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी होता है। अंतिम वेग कितना है? 25। प्रारंभिक वेग सर 0, और आपका त्वरण हमको तो निकालना ही है, तो a गुना क्या हो जाएगा? 300 सेकेंड। मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ये 0 प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ये हो जाएगा a गुना 300, यानी कि त्वरण आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 25/300 क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको क्या निकालना है, तय की गई दूरी निकालना है। अभी भी सवाल बनेगा या नहीं बनेगा? आसानी से बनेगा। प्रारंभिक वेग कितना है? 0, तो आप कहेंगे सर ई वाला टर्म तो ऐसे ही चला जाएगा। जब प्रारंभिक वेग 0 हो तो एस इक्वल टू क्या लेते हैं? 1/2 at² लेते हैं। क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि रेलगाड़ी विश्रामावस्था से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0 हो गया। तो भाई मेरे s इक्वल टू हाफ, त्वरण कितना है गुरुजी? 25/300। समय कितना है सर? तो सर समय है 300 सेकेंड, तो स्क्वायर होगा ना, तो 300 × 300 लिख दो, ये 300 और ये 300 क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको काट सकते हैं सर, 150 दूना कितना हो जाएगा 300, और 25 और 15 को आप गुना कीजिए तो 25 25, 5 दूना 10, दो कितना हो जाएगा 12 सवा 100, और ये 5, 5 दो कितना हो गया 7 2 1 3। ध्यान रखिए यहाँ पे 0 भी है, ये हो गया आपका 3750। किसमें सर? मीटर में। तो आपका रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 3750 मीटर। ध्यान में रखिए, आपके ऑप्शन में किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाई बार डिवाइड कर देना, आंसर कितना आ जाएगा? 3.75 किलोमीटर। तो बताओ आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। आपका ऑप्शन है संवेग, त्वरण, वेग, स्थिति। क्या पूछा जा रहा है? गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके बीच में संबंध देगा? तो सर स्थिति और समय के बीच में संबंध देगा। स्थिति और समय के बीच में क्या देगा सर? संबंध देगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच में संबंध देता है, आप कहेंगे स्थिति और समय के बीच में संबंध देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दूसरे ऑप्शन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में सर 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिया हुआ है, और चौथे ऑप्शन में सर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा समीकरण गलत है। आपको देखने से ना लगता है कि सर पहलू के गलत है, क्या कि 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर हम लोग पढ़ते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो सर 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मेरा क्या है सर? गलत है। और ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बाकी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता ही है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता ही है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। अभी जो आपने रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन बनाया है उसी कंसेप्ट पे आपका ये सेम आधारित है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि यदि एक कार अपने प्रारंभिक स्थिति से, जैसे ही प्रारंभिक स्थिति से कह रहा है तो यू कितना हो गया? 0 हो गया सर। क्या कह रहा है कि 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, यानी कि टाइम कितना ले रहा है सर? 20 सेकेंड ले रहा है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से ये समान रूप से त्वरित है, मतलब जो इसका अंतिम वेग है वो 144 किलोमीटर क्या है? पर आवर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, लेकिन आपको चाहिए क्या? मीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे? तो किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना करेंगे। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 64 1 8 8 6 14 18 8 44 से ये हो जाएगा 8 5 40 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए फिर क्या कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि अगर 144 किलोमीटर पर घंटा की गति तक ये समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितना दूरी तय करेगा। मतलब फिर से आपसे s पूछा जा रहा है, यानी कि कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। आप सभी कहेंगे कि सर जब s पूछा जा रहा है और प्रारंभिक वेग कितना है? 0, तो हम लोग s इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन सर फिर वही बात है, त्वरण आना चाहिए। त्वरण आएगा कैसे? यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है, त्वरण आ जाएगा। कैसे आएगा? आप सबों को मालूम है कि v इक्वल टू क्या होता है?
यू प्लस ए टी, ध्यान दीजिए अंतिम वेग कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। U कितना है सर, जीरो, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, त्वरण तो हमको निकालना ही है। समय कितना है सर, तब 20 सेकेंड, समय कितना है 20 सेकेंड, तो ये कितना हो गया सर, 20 दूना 40, त्वरण कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है तय की गई दूरी कितनी होगी, तो हाफ, त्वरण कितना है 2, समय कितना लगा सर, तो 20 का स्क्वायर ना, 20 गुना 20, ये 2 और ये 2 कट गया, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है एक बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, जब भी आपके क्वेश्चन में विश्रामावस्था से शुरू करती है कहा जाए तो समझ लेना प्रारंभिक वेग कितनी होगी सर, जीरो होगी। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो बस आपका विश्रामावस्था से चल रहा है वो किसी पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, जो बस आपका विश्रामावस्था से चलना प्रारंभ किया है वो किसी पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, और पहाड़ी से नीचे उतरने के दौरान वो 10 सेकंड में कितना दूरी कवर कर रहा है, तो सर 200 मीटर की दूरी कवर कर रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये बस 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी कवर कर रही है तो इस दौरान इसकी त्वरण क्या है, यानी कि ए इक्वल टू व्हाट। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में टी दिया हुआ है कितना 10 सेकंड, बस कितना दूरी कवर कर रही है यानी कि एस दिया हुआ है सर कितना 200 मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है त्वरण कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, जब भी आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग कितना है सर, जीरो है, तो आप क्या कहेंगे सर एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब आपका प्रारंभिक वेग जीरो हो जाए तो s इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू ए टी हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे 2as हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे, बड़ा आसानी से बनेगा भाई वाह, एस के जगह 200 रखो, का है तो 200 मीटर की दूरी कवर कर रहा है बस, हाफ के जगह तो हाफ ही रखेंगे सर, त्वरण निकालना ही है, और हमको यहाँ पे टी कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, तो 2 बार 10 को गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 5 6 10, और ये आपका 200, और अगर ये आप इधर करेंगे तो ये हो जाएगा सर 10 5 6 50 ए ना सर, यहाँ पे ए, ये 5 और 10, ठीक है, अब ये कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना है बस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कितना होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि अब आपको गति के समीकरण से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।